खातेगांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया और कहा कि यदि 10 दिनों में समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो कांग्रेस आंदोलन के लिए तैयार है। खातेगांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने SDM प्रिया चंद्रावत और तहसीलदार अरविंद दिवाकर के सामने अपना पक्ष रखा। इस बैठक में 11 बिंदुओं पर लिखित ज्ञापन सौंपा गया। वहीं पूर्व विधायक कैलाश कुंडल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि अनियमितताओं पर ध्यान देने और उसके समाधान के लिए हमने लिखित ज्ञापन दिया है और मौखिक रूप से भी अनुरोध किया है। अगर आने वाले 10 दिनों में इन बिंदुओं पर काम नहीं होता है तो हम विपक्ष के लोग अभी तो अनुरोध कर रहे हैं लेकिन बाद में रोड पर आकर आंदोलन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उनको एकत्रित करके उनकी जानकारी में लाए हैं और वो समस्याएं चाहे वो सिंचाई से संबंधित हो, LH-59A से संबंधित हो, अवैध शराब की बिक्री से हो, चाहे भ्रष्टाचार जो चल रहा है अन्य विभागों में उसके बारे में बात हो, जाति विशेष वर्ग के साथ जो ज्यादती की जा रही हो वो बंद होना चाहिए, कुछ राजनीतिक दबाव में राजनीतिक लोगों के साथ दुष्टतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ जो मुख्य उसमें मुद्दा जो था हमारा कि हम लोग जो है लगातार शासन की नीति जो बनी हुई है उससे पीड़ित है, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे मंडी मूंग खरीदी की बात हो। उन्होंने हमें करीब 11 से 12 बिंदुओं से के संबंध में समस्याओं से आकर्षित करवाया है। रही बात NH के सर्विस रोड की, तो उसमें संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनको बुला करके निश्चित रूप से सर्विस रोड का डामरीकरण जो हमें करवाना है वो हम करवाएंगे। और प्रशासन की यही प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द हम लोग सर्विस रोड और मेन बाईपास जो है उसको चालू करवा पाए। इसके लिए हम नियमित तौर पर बैठक कर रहे हैं और बारिश के पूर्व हम लोग इसको चालू करवाने की प्राथमिकता में है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।